क्या इंग्लिश प्लेयर जेसन रॉय इंग्लैंड को छोड़कर अभी सिर्फ केकेआर के लिए खेलेंगे? कुछ टाइम से आप ये रूमर्स के बारे में सुन रहे होंगे कि कुछ इंग्लिश प्लेयर्स को आईपीएल फ्रेंचाइजीज की तरफ से एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट सेंड किया गया है। वेल, कल इससे रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा न्यूज आया कि जेसन रॉय अपनी ईसीबी का कॉन्ट्रैक्ट गिव अप करके केकेआर फ्रेंचाइजी के कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया है। नाउ इफ यू डोंट नो, तो केकेआर इज नॉट जस्ट एन आईपीएल टीम, उनके और भी टी20 लीग्स में बहुत सारी टीम्स है, जैसे कि अबू धाबी नाइट राइडर्स, ट्रिनबागो नाइट राइडर्स, केप टाउन नाइट राइडर्स एंड अब लॉस एंजलिस नाइट राइडर्स, जिसमें जेसन रॉय साइन हो गए हैं फॉर 3.8 करोड़। एंड ये अमाउंट मेजर लीग क्रिकेट का है। जब वो केकेआर की सारी फ्रेंचाइजी को साइन कर लेंगे तो उनका अमाउंट 12 टू 15 करोड़ चला जाएगा। तो अब जेसन रॉय माइट प्ले फॉर ऑल दीज टीम्स नाउ इन टी20 लीग्स लाइक यूएई इंटरनेशनल लीग, अरेबियन प्रीमियर लीग, मेजर लीग क्रिकेट एंड साउथ अफ्रीका टी20 लीग। तो इसके बाद जेसन रॉय इंग्लैंड के लिए खेलेंगे या नहीं, इससे रिलेटेड जेसन रॉय खुद एक स्टेटमेंट रिलीज किया। अगर आप पूरा पढ़ना चाहते हो तो आप पॉज करके रीड कर सकते हो, बट मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। वो कहे, इट डजंट अफेक्ट माय सिलेक्शन इन इंग्लैंड टीम, उनकी अभी भी फर्स्ट प्रायोरिटी इंग्लैंड टीम के लिए खेलना ही है और वर्ल्ड कप जीतना है, और वो रिप्रेजेंट करना चाहते हैं अपने नेशन को, जिससे वो बहुत प्राउड है एंड हिल कंटिन्यू टू डू सो। एंड इस चीज को कंफर्म करते हुए ईसीबी भी आज एक स्टेटमेंट रिलीज की। उनके एंड जेसन रॉय के बीच में ये अग्रीमेंट हो गया है कि वो ईसीबी कॉन्ट्रैक्ट ड्रॉप कर रहे हैं टू टेक अप द फ्रेंचाइजी कॉन्ट्रैक्ट, बट इस चीज से उनके इंग्लैंड टीम सिलेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ही स्टिल अवेलेबल फॉर द इंग्लैंड टीम।